आज मैं अशुभ के बीज लाया हूँ फिर से डिफरेंशियल इक्वेशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन से है। यहाँ पे कह रहा है आपको सॉल्व करने के लिए dy by ds इक्वल टू s प्लस 2y माइनस 3 बाई 2s प्लस 3 2s प्लस y माइनस 3। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको हम इक्वेशन 1 मान लिए, ये हमारा इक्वेशन 1 है जिसको सॉल्व करना है। ये आपका नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। नॉन होमोजीनियस इक्वेशन दो टाइप के पढ़ेंगे आप। एक पढ़ोगे आप कि जब ए एस प्लस बी वाई प्लस सी या ए डैश एस प्लस बी वाई डैश प्लस बी डैश वाई सी डैश। यहाँ पे देखना आप ए बाई ए डैश नॉट इक्वल टू बी बाई बी डैश, ये हो, ये फर्स्ट टाइप का है। ए बाई ए डैश, ए क्या है यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, तो 1 बाई 2 नॉट इक्वल टू 2 बाई 1। तो ये फर्स्ट टाइप का इक्वेशन है। जब फर्स्ट टाइप का लीनियर नॉन होमो ये लीनियर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन हो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, s इक्वल टू s डैश प्लस h, इसका डिफ्रेंसिएशन ds इक्वल टू ds डैश। h क्या है, ये स्मॉल कॉन्स्टेंट नंबर है। वैसे ही y इक्वल टू y डैश प्लस k, dy बराबर हो जाएगा dy डैश। तो इस दोनों को डिवाइड किया हम आपस में तो dy बाई ds निकल गया dy डैश बाई ds डैश। फिर ये वैल्यू, ये dy बाई ds का वैल्यू, s का वैल्यू और y का वैल्यू इक्वेशन 1 में रखे, इक्वेशन 1 हमारा इतना आ गया, इक्वेशन 2 में बदल गया। अब हम क्या करते हैं तो h और k का वैल्यू निकालते हैं इस प्रकार कि ये जो कांस्टेंट वाला टर्म है ये हमारा जीरो हो जाए। तो वही हम किए हैं, h प्लस 2k माइनस 3 इक्वल टू 0, 2h प्लस k माइनस 3 इक्वल टू 0। दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना आप नाइन्थ में पढ़े हुए हैं तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इस पर ज़्यादा फोकस नहीं देंगे। हम एज्यूम कर लेते हैं आप इसको सॉल्व करना जानते हैं, तो हमको h का वैल्यू 1 और k का वैल्यू 1 आया। फिर क्या किए हम, पुट किए वैल्यू किसका, तो h का वैल्यू और k का वैल्यू कहाँ पे, तो इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 में जब हम h का और k का वैल्यू 1 रखे तो इक्वेशन 2 आ गया हमारा इक्वेशन 3 के रूप में, इस टाइप के आ गया। अब ये जो इक्वेशन 3 आया है ये आपका क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन है। तो होमोजीनियस इक्वेशन में हम लोग पुट कर दिए यहाँ पे y डैश इक्वल टू वी एच डैश। अब y डैश के रूप में ले रहे हैं तो यहाँ पे आप ये होमोजीनियस रूप में ये v के रूप में ला रहे हैं हम, इसका हम s के s डैश के रूप में डिफ्रेंसिएशन किए, डिफ्रेंसिएशन किए तो डी वाई डैश बाई डी एस डैश बराबर आ गया v प्लस ये s डैश डी वी बाई डी एस, ये इक्वेशन 4 आ गया, ये इक्वेशन 5। अब क्या किए, 4, 5 का वैल्यू इक्वेशन 3 में रखे, इक्वेशन 3 में रखे तो आपका इक्वेशन 3 इस रूप में आ गया। अब यहाँ पे देखिए एस डैश ऊपर नीचा दोनों जगह कॉमन है, हटा दिए। फिर इस भी को हम राइट साइड ले गए, राइट साइड ले जाके हम ये जो इक्वेशन है इसको हम चेंज किए, एलसीएम लिए, जो कट गया, कटने के बाद आपका इस रूप में आया। अब आप पढ़े हो जब ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना हो तो पहला टाइप पढ़े थे सेपरेट करने की विधि, तो सेपरेट करने की कोशिश की, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद भी वाला एक और एस डैश वाला एक और ले लिए, ये आपका सेपरेट हो गया। सेपरेट करने के बाद इसमें हम इंटीग्रेशन कर लिए। अब ये इंटीग्रेशन वाला ये जो है आपका इक्वेशन, ये इक्वेशन शेष हो गया। अब ये आप देखिए ये आप पार्शियल फ्रैक्शन में आ गया है, फिर पार्शियल फ्रैक्शन के इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं वो हम देखते हैं। फिर हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं पार्शियल डिफरेंस इंटीग्रेशन को। यहाँ हमने क्या किया, मान लिया 2 प्लस वी बाई 1 प्लस वी स्क्वायर, इसका नीचे वाले ये जो है इसका फैक्टर क्या होगा, 1 प्लस वी 1 माइनस वी, आ गया 2 प्लस वी बाई 1 प्लस वी 1 माइनस वी इक्वल टू ए बाय पहला फैक्टर, बी बाय दूसरा फैक्टर। अब देखिए एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लिए यही आएगा जो इधर है, एलसीएम लेने पे आपका ये मिला, ऐड किए हम राइट हैंड साइड वाले टर्म को ऐड किए, नीचे वाला दोनों सेम है तो ये दोनों आपका कैंसिल हो गया, इतना आया। अब क्या किए, इसमें पहला फैक्टर को जीरो किए, 1 प्लस वी को, ये जो है 1 प्लस वी को जीरो किए तो वी निकल गया माइनस 1, वी का वैल्यू माइनस 1 रखेंगे तो ए निकल जाएगा। फिर दूसरा फैक्टर क्या है, तो 1 माइनस वी इक्वल टू 0, यहाँ से वी निकल गया 1, तो दूसरा फैक्टर को रखने जीरो करने पे भी निकल, बी का वैल्यू 1 आया, 1 रखने पे हमको बी निकल गया।
तो ए भी हम निकाल लिए, ये हम लोग ट्वेल्थ में पढ़े हुए निकालना, ए भी निकल गया, तो ये जो एज्यूम किए थे वो हमारा इतना आ गया, इक्वेशन सेवन में आ गया। अब हम क्या किए, इक्वेशन सिक्स और सेवन से आप निकाले इंटीग्रेशन डी एस डैश बाई एस डैश इक्वल टू इंटीग्रेशन वन बाई टू वन प्लस बी प्लस थ्री बाई टू वन माइनस बी डी भी, इंटीग्रेशन अलग अलग किए, ये सही है। यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म बाहर आ गया वन बाई वन प्लस बी डी भी, प्लस कॉन्स्टेंट टर्म थ्री बाई टू बाहर आ गया वन बाई वन माइनस बी डी भी। अब इसका हो गया लॉग एस डैश इक्वल टू वन बाई टू लॉग वन प्लस बी माइनस, माइनस इसीलिए आया, यहाँ देखिए कोफिशियंट क्या है माइनस में है तो ये माइनस बाहर आ गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, थ्री बाई टू लॉग वन माइनस बी प्लस सी, सी क्या है आपका तो कोई इंटीग्रल कॉन्स्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे आया आपका लॉग एस डैश इक्वल टू हाफ लॉग वन प्लस बी माइनस थ्री बाई टू लॉग वन माइनस बी प्लस सी, ये तो नीचे में टू है, इसको हटाने के लिए हमने क्या किया दोनों ओर मल्टीप्लाई कर दिया, टू से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया टू लॉग एस डैश इक्वल टू लॉग वन प्लस बी माइनस थ्री लॉग वन प्लस बी प्लस टू सी, टू सी को हमने क्या क्या लिख दिया लॉग के, सब लॉग में आ गया। फिर देखिए लॉग एम और लॉग एन प्लस में है तो लॉग एम इंटू एन आ गया, फिर आपका देखिए ये माइनस वाला वही रहा, आ गया अब आपका लॉग एम माइनस लॉग एन हो गया आपका लॉग एम बाय एन। अब दोनों ओर लॉग हैं, लॉग हट गया तो एस डैश का स्क्वायर बराबर हो गया के वन प्लस भी बाय वन माइनस भी के पावर थ्री, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, फिर भी का वैल्यू आप एज्यूम किए थे y डैश इक्वल टू वी एस डैश, तो यहाँ से भी निकल गया y डैश बाई एस डैश, तो भी का वैल्यू हम पुट किए, एलसीएम लिए, एलसीएम लेने पे आपका इतना आया। अब देखिए ये एस डैश और ये कटेगा तो क्या बचेगा एस डैश का स्क्वायर, वही यहाँ लिखे हैं, फिर ये एस डैश का स्क्वायर, एस डैश का स्क्वायर कट गया तो बचा आपका एस डैश माइनस वाई के पावर थ्री इक्वल टू के इंटू एस डैश प्लस वाई डैश, जहाँ पे आप एज्यूम किए थे शुरू में कि s इक्वल टू एस डैश प्लस एच और y इक्वल टू वाई डैश प्लस के, तो यहाँ से s डैश निकल गया s माइनस एच, एच का वैल्यू वन है ये आ गया, y डैश निकल गया आपका y माइनस के, k का वैल्यू आपका वन है तो y माइनस के। अब ये दोनों वैल्यू हम पुट कर दिए s माइनस वन माइनस वाई माइनस वन के पावर थ्री इक्वल टू के इंटू एस माइनस वन प्लस वाई माइनस वन, ये माइनस वन आइए प्लस वन कैंसिल हो गया आपका तो बचा एस माइनस वाई के पावर थ्री यहाँ के इंटू एस प्लस वाई माइनस टू, यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हुआ, लिख दिए विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। तो ये लीनियर, ये जो आपका है ये क्या है आपका, तो ये नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रायः एग्जाम में आते हैं। हम चाहेंगे आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी कहिए इसको देखने के लिए, ये हम आपके लिए नया नया वीडियो लाएँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के व्यू से, आप इसको बार बार बनाएं, समझें और आपस में शेयर भी करें इसको। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, बाय।